हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम कुछ लीगल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं 2020 के, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो बात करता है जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, उन्होंने वेंसडे को ये कहा कि जो भी हमारा वर्चुअल कोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो भी उसमें हेयरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको एक तरीके से दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस रिगार्ड में उन्होंने जो रजिस्ट्रार है उनको यहाँ पे एक लेटर भी दिया। तो हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान, क्योंकि जब स्टार्टिंग में प्रेजेंट कोर्ट में ऐसे जाना पॉसिबल नहीं हुआ था, तो उस दौरान वर्चुअल हेयरिंग की जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो अब हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये बात रखी है कि जो भी पूरा सिस्टम है उसको अभी रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर दूसरा आपका केस है कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट बेल किसी को मिलती है, तो डिफ़ॉल्ट बेल का हम प्रोविज़न जानते हैं सेक्शन 167 सीआरपीसी में है। तो जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, जो 90 डेज और 60 डेज़ वाला है, आई होप आप उस चीज़ से अवेयर हो, तो यहाँ हम उसका ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 90 या जो 60 डेज़ का टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है, अगर उस टाइम पीरियड तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो अक्यूज़ को वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल जो है, मैंडेटरी बेल आप कह सकते हैं, वहाँ पे मिल जाती है। इसके लिए अक्यूज़ को एक बेल एप्लीकेशन लगानी होती है और यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है तो यहाँ पे उसको मैंडेटरी हो जाता है बेल पे रिलीज़ करने का। तो इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन है, कोई अक्यूज़ है, वो डिफ़ॉल्ट बेल पे बाहर छूटा हुआ है, तो जस्ट बिकॉज पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपने चार्जशीट फाइल करते ही आप उसको रीअरेस्ट कर लें। यहाँ पे उसको बेल पे छोड़ा गया है, जब तक उसकी कैंसिलेशन ना हो बेल की या कोर्ट उसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू ना करे, तब तक उसको दोबारा रीअरेस्ट नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज चार्जशीट फाइल हो गई है, तो इस ग्राउंड पे डिफ़ॉल्ट बेल को कैंसिल करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते चार्जशीट फाइल करते हुए, ये कोर्ट की डिस्क्रिएशन पे है। ओके, केस का नाम है कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप चाहे तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 पे इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि रीसेंट केस है। तो आप जब भी मेंस का आंसर लिखें, तो आप इसको अगर डिफ़ॉल्ट बेल पे शॉर्ट नोट पूछ लिया, तो आप 2020 का केस लिख देंगे, तो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स ओवर दी अदर्स। फिर है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। ठीक है, राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड अदर्स। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि न्यूज़ में था, जो भी हमारा पार्लियामेंट है उसका जो भी एक नया कंस्ट्रक्शन प्लान गवर्नमेंट ने तैयार किया था, तो उसको लेके जो है चैलेंज हुआ था कि जो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो हमारा नए पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, तो वो उसको चैलेंज किया गया था। और इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है गवर्नमेंट प्लान को, जो भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। केस का नाम हम देख चुके हैं, राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एंड द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट इन दिल्ली। ठीक है, ये 2:1 का जजमेंट था, और इसमें जो हमारे जस्टिस खन्ना थे उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है। ठीक है, तो 2:1 आपको रेशियो पूछ सकता है कि क्या था। फिर आपका जो नेक्स्ट केस है वो है तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एक बार रिपीट कर देते हैं, तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो इस केस में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके पास रिजर्वेशन पॉलिसी की पावर नहीं है। वो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं पर्टिकुलर स्टेट में, उसको लेके वो कोई रिजर्वेशन पॉलिसी कैंडिडेट के रिगार्ड में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी नहीं है, ये स्टेट की पावर है रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाना। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही अभी जो भी आपका इंटरफेथ रिलीजन को लेके या मैरिजेस को लेके जो भी न्यूज़
में बातें हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी बर्निंग इशू है, तो उस पर कोर्ट का जजमेंट आना, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बिल्कुल किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम में पूछे, किसी भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें, इस मैटर पर जो भी इंटरफेथ रिलीजन की बात हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव है, और बहुत सारे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, जो भी आप चाहे तो, अगर नहीं आपने देखे तो आप गूगल कर सकते हैं, या बहुत सारी साइट्स हैं जैसे लाइव लॉ वगैरह हो गया, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं इंटरफेथ रिलीजन्स को लेके। तो ये केस है सेश्टा परवीन ओके, तो केस का नाम है सेश्टा परवीन अलियास संगीता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ठीक है। सेश्टा परवीन अलियास संगीता, इस ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि दो अगर अडल्ट लोग हैं, ठीक है, और अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उनको आप ज़बरदस्ती परेशान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन वेंसडे रिएट्रेटेड दैट नो वन इज एंटाइटल्ड टू डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ टू अडल्ट हु रिजाइड टुगेदर विलिंगली। अगर लोग, दो अडल्ट लोग आपसी सहमति के साथ रह रहे हैं, तो किसी को अधिकार नहीं है कि उनके लाइफ को आप परेशान करें, ठीक है। होल्डिंग दस द कोर्ट केम टू रेस्क्यू ऑफ अनदर इंटरफेथ कपल फेसिंग हरासमेंट एट द हैंड्स ऑफ देयर फैमिलीज। दो इंटरफेथ कपल थे, ठीक है, उनके धर्म अलग थे, वो साथ रह रहे थे, तो उनको अपनी फैमिलीज की तरफ से कुछ हरासमेंट हो रहे थे, तो उस रिगार्ड में ही कोर्ट ने उस कपल को रेस्क्यू किया और ये जजमेंट प्रोनाउंस किया। थोड़ा सा और इस जजमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये सिंगल बेंच थी, जस्टिस सरल श्रीवास्तव, ठीक है, जो जस्टिस थे, क्योंकि सिंगल बेंच थी, उसका नाम भी आप जान ले तो ये अच्छा है। अगर आप किसी भी मेंस एग्ज़ाम में चाहो तो आप जस्टिस का नाम मेंशन कर दोगे तो दैट विल बी गुड। तो जस्टिस का नाम था जस्टिस सरल श्रीवास्तव, ठीक है। ही ऑब्जर्व द कोर्ट हैज़ रिपीटेडली हेल्ड दैट वेयर द टू इंडिविजुअल हैविंग अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। बहुत बेसिक इंग्लिश है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप पॉज करके एक दो बार अगर रिपीट करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा कि वेयर द टू इंडिविजुअल, जहाँ दो लोगों ने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड कर ली है और वो साथ रह रहे हैं, तो नो बडी इज एंटाइटल टू इंटरफेयर इन देयर पीसफुल लाइफ। किसी को अधिकार नहीं है कि उनकी जो पीसफुल लाइफ है, जो शांति से उनकी जो अपना वो साथ में लाइफ गुजार रहे हैं, उनको आप डिस्टर्ब करें। तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट ने दो लोगों जो साथ रह रहे हैं, उनको साथ रहने के लिए उनकी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके रिगार्ड में कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, केस का नाम आप चाहे तो फिर देख सकते हैं, सेश्टा परवीन अलियास संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर ये केस है आपका सोमा सुंदरम अलियास सोमू वर्सेस स्टेट, ओके, सोमा सुंदरम अलियास सोमू वर्सेस स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको जस्ट बिकॉज आप एकॉम्प्लिस का प्रोविजन हम जानते हैं सेक्शन किस में है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 में है वो आपका, और रूल ऑफ जो एक प्रूडेंस है वो आपका इलस्ट्रेशन में दे रखा है सेक्शन 114 में, ठीक है। तो आप दोनों को साथ देख सकते हैं, सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, तो ठीक है। तो पहले सेक्शन आपका 133 कहता है कि एकॉम्प्लिस जो होता है, तो सेक्शन 133 अगर आप अपनी बेयर एक्ट ओपन करें तो उसमें देख सकते हैं, उसमें कहा गया है कि जो एकॉम्प्लिस है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, और अगर उसकी एविडेंसेस के बेसिस पे अगर आप कन्विक्शन करते हैं तो वो इलीगल नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो एकॉम्प्लिस था उसको कोरोबोरेट नहीं किया गया, ठीक है। ये आपका एक जनरल रूल बताता है, बट एक रूल ऑफ प्रिकॉशन अगर आप देखेंगे तो वो इलस्ट्रेशन में दे रखा है सेक्शन 114 का, जिसमें ये एक जनरल सी बात बताई गई है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो अनकोरोबोरेटेड, जिसको कोरोबोरेट नहीं किया है, जिसकी बातों को कन्फर्म नहीं किया है एकॉम्प्लिस की, तो उस बेसिस पे जो कन्विक्शन करना सही नहीं है, वहाँ पे कोरोबोरेट करना एकॉम्प्लिस को ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को लेके कोर्ट ने इस केस में कहा है कि जो भी अक्यूज्ड है तो उसको कन्विक्ट करना वो सेफ नहीं रहेगा, और क्योंकि अगर आप उसको सोलली किस बेसिस पे कन्विक्ट कर रहे हैं, अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस, तो दैट वुड नॉट बी सेफ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट इट वुड बी अनसेफ टू कन्विक्ट एन अक्यूज्ड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस, ठीक है। बेंच देख लेते हैं, द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस रोहिंटन फाली नरिमन, के एम जोसेफ जस्टिस एंड
वी रमा सुब्रमण्यम जस्टिस सेड दैट एन अकॉम्प्लिस टू बी बिलीव्ड ही मस्ट बी कॉरोबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज टेस्टिमनी। ओवरऑल इस केस का मतलब ये है कि अगर आप अकॉम्प्लिस के एविडेंस पे अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना चाहते हैं तो अकॉम्प्लिस द्वारा दिए गए एविडेंसेस को आपको प्रॉपरली कॉरोबोरेट करना होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज द्वारा, उसके बाद आप अगर अक्यूज्ड को कन्विक्ट करते हैं तो सही है। अगर बिना आप उसको कॉरोबोरेट किए अक्यूज्ड को कन्विक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो एक अनसेफ होगा। ठीक है, तो आज के लीगल करंट अफेयर्स आपके इतने ही हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।